लाल कप्तान डायरेक्ट किया है नवदीप सिंह जी ने, और जो इसके अंदर स्टारिंग है सैफ अली खान, मानव विज, सिमोने सिंह और भी बाकी करेक्टर हैं। अब कहानी की बात करें इस मूवी में, तो जो सैफ अली खान है उन्होंने इस मूवी में गोसाई का एक किरदार निभाया है, जो 20 साल से भटक रहा है रहमत अली खान को, रहमत अली नहीं, रहमत खान को मारने के लिए, क्योंकि रहमत खान ने अपने अंग्रेज़ों के साथ मिलके अपने पिता और अपने भाई को धोखा दे दिया था और उन्हें फांसी पर लटकवा दिया था। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो ये सैफ अली खान है वो तब से वहाँ पे भटक रहा है उसको मारने के लिए। अब ये जो स्टोरी है कोई इतनी नहीं है कि भाई हाँ हमें कुछ नया देखने को मिला, इतना कुछ आपको नया देखने को भी नहीं मिलेगा। स्टोरी बहुत स्लो है, यानी मूवी के अंदर आप बात करें कि दूसरी कोई चीज़ कब होने वाली है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत स्लो चलती है ये स्टोरी। हम जब कोई मूवी अपने फ़ोन में देखते हैं या कोई सॉन्ग अपने फ़ोन में सुनते हैं या कुछ भी कोई वीडियो हम देखते हैं यूट्यूब पे, तब कोई ऐसा सीन आता है हमारे सामने कि हम सोचते हैं कि यार ये बोर कर रहा है, तो हम उसको स्किप कर देते हैं आगे। कुछ ऐसा ही मन मेरा भी किया कि जब मैं थिएटर में बैठा था कि क्या यार ऐसे इतने चल रहा है, इतना मतलब स्लो 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 मोशन सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ। तो वो देखो यार थिएटर में तो ऐसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि थिएटर में बैठे हैं तो आपको प्रॉपर बैठना ही पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा अगर आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि आपके रुपये लग चुके हैं। तो ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ है, मूवी बहुत स्लो है, मतलब वो इतना वेट यार पता नहीं क्या सोच के डायरेक्टर ने मतलब कि इतनी स्लो मूवी बनाई है। चलो ठीक है आपको कहानी ये मिली, कहानी आपको ये दिखानी थी, एटलीस्ट मूवी तो आप फास्ट कर सकते थे, शायद ये मूवी 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकती थी अगर थोड़ा तेज़ तेज़ कर देते, घोड़ों को तेज़ चला देते। लेकिन नहीं यार ऐसे ऐसे सीन क्यों डाले गए मूवी के अंदर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब कि लेंथ बढ़ाने के लिए सिर्फ एस एक बस पैदल चलते हुए दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं बस, फिर वो रुक जाएंगे पैदल दिखाने को, फिर वो वहां पे बैठे हुए दिखा देंगे, कोई हो नहीं रहा वहां पे, कोई ऐसी कोई चीजें नहीं दिखा रहे, फिर भी बिना वजह के बिना सर पैर के वो चीज वहां उस मूवी में घुसेड़ दी गई ताकि इस मूवी की लेंथ और हो सके और लोग यहाँ पे बैठे। वेस्ट ऑफ मनी लगी मुझे इस, अगर आप देखे तो इसमें मुझे तो कहीं से भी कोई तुक नहीं लगा। दूसरी अगर बात करें इस मूवी की कहानी की, जो इसमें सैफ अली खान जो है वो बदला लेना चाहता है रहमत खान से, रहमत खान का जो किरदार निभाया मानव विज ने निभाया, अब ये जो बदला लेने का अपने पिता को धोखा दे दिया और अपने भाई को धोखा दे दिया उनको मरवा दिया, और फिर उसका बदला लेने के लिए सैफ अली खान एक गोसाई का रूप लेके आता है उसको मारने के लिए, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है कि हाँ वो लास्ट में वो मार देगा बस उसको, एज यूजुअल सबको पता होता है कि हाँ लास्ट में अपना बदला तो ले ही लेगा, आपको कोई उसमें ट्विस्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ छोटा सा आप कहें तो छोटा सा एक ट्विस्ट आपको देखने को, और मुझे वो भी नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित कर देगा, इतना वो आपको सरप्राइज कर देगा हाँ भाई ये चीज़ बड़ी भयंकर दे दी इन्होंने, नहीं नहीं ऐसा भी वो नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्लस पॉइंट की बात करूँ इस मूवी में, देखो प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो इसकी कॉस्ट्यूम और जो इसके मेकअप है बस वही लगा, लेकिन केवल इनके ही दम पे मूवी आगे नहीं चल सकती। मूवी के लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवी को थोड़ा फास्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन केवल मेकअप और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कर पाती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो देखो यार मुझे तो मूवी इतनी पसंद नहीं आई। अगर इसको स्टार देने की बात करूँ तो मैं इसे दूंगा 3 out of 10 स्टार। अब ये 3 क्यों दे रहा हूँ ये भी समझ नहीं आ रहा, शायद मैंने पैसे लगा रखे थे कम से कम दे देता हूँ यार इसलिए दे रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, आपको अगर मूवी, अगर आप सैफ अली खान के अगर फैन हैं तो आप उनकी वेट कर रहे थे किसी मूवी आने का, तो आप ये मूवी बेशक देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई लॉजिकल चीज़ें मुझसे पूछे कि हाँ क्या हमें देखनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं सीखने को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको नींद नहीं आती ना वो ये मूवी देख लो नींद आ जाएगी। काफ़ी अच्छा मूड था, मैंने मैलफिशेंट मूवी देखी थी उसके बाद मैंने लाल कप्तान मूवी देखी, क्यों देखी यार
चलिए बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।